मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राधिका खेड़ा विवाद पर कहा कि पिछले कुछ दिनों से ये खबर चर्चा में है कि राष्ट्रीय स्तर की महिला प्रवक्ता कांग्रेस भवन में अपने लोगों द्वारा अपमानित हुई है। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है और कांग्रेसी नारी न्याय की बात करते हैं, उसके कथने और करने में फर्क है, जिसके कारण आज कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। देश में 55-60 साल तक एक छत्र राज करने वाले आज विलुप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में है महिलाओं के साथ अत्याचार करना। निश्चित रूप से राधिका जी का प्रकरण 4 दिनों से चल रहा था। क्या राधिका जी की ये गलती थी कि उन्होंने अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन किए? हाँ, जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपन अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका, और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहता है, और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के साथ जो होना था वही हुआ। कांग्रेस के डीएनए में है महिलाओं के साथ अत्याचार करना। निश्चित रूप से राधिका जी का प्रकरण 4 दिनों से चल रहा था। उन्होंने पहला लिखा कि वो कौशल्या माँ की धरती में है और पुरुषत्ववादी नेता उन्हें पैरों तले कुचल रहे हैं। बाद में उन्होंने लिखा मैं राम के ननिहाल में हूँ। फिर लिखा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी छत्तीसगढ़ आई पर न्याय नहीं दे पाई। क्या राधिका जी की ये गलती थी कि उन्होंने अयोध्या श्री धाम में श्री राम के दर्शन किए और कांग्रेस के लोग भगवान राम को नकारते रहे? शायद राम के दर्शन का खामियाजा और महिला होने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। ये अधार्मिक कांग्रेसी लोग और महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार करने वाले, इनके डीएनए में महिलाओं के साथ अत्याचार लिखा। राधिका जी, आखिर ये होना ही था और वो हुआ।